और शुरुआत बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में आज योगी और दीदी आमने सामने होंगे। योगी आदित्यनाथ की 4 चुनावी रैलियां हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ममता की 5 रैली होनी है बंगाल में। तीसरे चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन है और आज शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा और इसी को देखते हुए रैलियां आज बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। 6 अप्रैल को तीसरे चरण का मतदान होना है, उससे पहले पूरी ताकत झोंकते हुए योगी आदित्यनाथ एक साथ अलग अलग जगहों पर 4 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे और इसके जवाब में ममता बनर्जी भी चुनावी रैली करती हुई नजर आएंगी। आज किस तरीके का प्रहार होता है, क्योंकि आज तमाम सीटों पर जो कि तीसरे चरण में मतदान होना है उन सभी का चुनावी शोर शाम 5 बजे बाद थम जाएगा। सबकी नजरें आज यहां पर बनी हुई है, क्योंकि 5 बजे का वो समय होगा जब चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा और उससे पहले योगी और दीदी आज आमने सामने होंगे। चलिए एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। 6 अप्रैल को 5 राज्यों में होने वाले मतदान के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है। शाम 5 बजे चुनाव प्रचार आज थम जाएगा। इससे पहले चुनाव से संबंधित सभी सियासी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। पुरजोर कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से लोगों के मन में अपनी धाक जमा दी जाए और ऐसे में ये तमाम कोशिशें चुनावी रैली और रोड शो में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए सीधा रमन का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी कोलकाता से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रमन, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 5 बजे का वो समय होगा जिसके बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। कैसी तस्वीर फिलहाल सामने आ रही है वहां से, मैं चाहूंगी आप दर्शकों तक पहुंचाएं रमन। देखिए बिल्कुल, और आज धुआंधार रैली है योगी आदित्यनाथ की। बहुत सारी रैली यहाँ आज पश्चिम बंगाल में होने वाली है और सबसे बड़ी बात है कि 5 तारीख को 5 बजे तक तीसरे फेज का जो प्रचार है रुक जाना है। तो इसीलिए पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की यही होगी कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात लोगों तक पहुँचाई जा सके। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, दीदी भी जबरदस्त रैली और रोड शो आज करने वाली है, क्योंकि आज 5 बजे तक प्रचार का जो रफ्तार है वो थम जाएगी और उससे पहले दोनों ही पार्टियों की पूरी कोशिश है कि अपनी बात अपना मैसेज जनता तक पहुंचा दिया जाए और इसीलिए ये पूरी रैली है। कल भी योगी आदित्यनाथ की बहुत सारी रैली हुई थी जिसमें बहुत भीड़ कार्यकर्ताओं की देखने को मिली थी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने भी जनसभाएं की थी, उसमें भी बेहद भीड़ देखने को मिली थी और इसीलिए दीदी भी लगातार यहां पर प्रचार कर रही हैं, रोड शो कर रही हैं। दरअसल जो कैंपेन स्ट्रेटेजी पूरी की पूरी पश्चिम बंगाल में टीएमसी की है वो दीदी के ही इर्द गिर्द घूमती है, दीदी के ही आसपास घूमती है, इसलिए जितना भी कैंपेन है वो दीदी को ही करना है, दीदी इस पूरे कैंपेन का चेहरा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की पूरी फौज मैदान में उतार दी है जिसमें योगी आदित्यनाथ भी हैं, वो रोड शो करेंगे और उनके रोड शो में भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। घर के आसपास से उन्हें देखने के लिए लोग जमा हो रहे हैं और लगातार इसीलिए वो इस रोड शो का हिस्सा बने हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की आज पूरी कोशिश होगी कि स्टार प्रचारकों के जरिए एक मैसेज जनता तक पहुंचाया जाए, क्योंकि जो कैडर लेकिन साथ ही साथ ममता बनर्जी की मुश्किलें इस लिहाज से भी ज्यादा हो जाती है क्योंकि उन जगहों पर आज ममता बनर्जी रैली करती हुई नजर आएंगी जहां पर योगी आदित्यनाथ पहले से ही कर चुके हैं। रमन आपका रुख करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि टीएमसी के काशी चैलेंज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तर्क कसा है, काशी के लोग दीदी को बाहरी नहीं कहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, वाराणसी में तिलक और चोटी वाले लोग बहुत मिलेंगे ये कहा गया है। ममता दीदी श्री राम के आह्वान से चिढ़ती है, दीदी को वहां हर हर महादेव ही सुनने को मिलेगा। इतने बड़े दिल वाले हैं कि आपको बाहरी नहीं कहेंगे, आपको टूरिस्ट नहीं कहेंगे, आपको टूरिस्ट गैंग भी नहीं कहेंगे। मेरी काशी के लोगों का दिल भी बंगाल के लोगों की तरह बहुत विशाल है। मेरी काशी के लोगों का दिल भी ऐसा ही उदार है भैया। ये जरूर है कि वहां आपको तिलक वाले लोग बहुत मिलेंगे, चोटी वाले लोग बहुत मिलेंगे। यहां आप जय श्री राम के आवाज से चिढ़ती है, वहां आपको हर 2 मिनट के बाद हर दर हर हर महादेव भी सुनने को मिलेगा। बनारस के लोगों पर, यूपी के लोगों पर गुस्सा मत करिएगा दीदी। यूपी बनारस के लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है, वो इतने बड़े दिल वाले लोग हैं, वो आपको भी बहुत स्नेह देंगे और आपको दिल्ली भी नहीं जाने देंगे, वही रखेंगे।
तो आपने सुना पीएम मोदी को, और देखिए रमन यही अंदाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होता है कि ममता बनर्जी की देखिए हार और हताशा को किस तरीके से एक मौके में तब्दील कर दिया गया, प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं और अब राम के साथ साथ महादेव की भी एंट्री करवा दी। देखिए बिल्कुल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपनी रैलियों में इसी तरह से निशाना साध रहे हैं। कल भी उन्होंने हरिपाला की जो उनकी रैली थी उसमें कहा कि जैसे जैसे चुनाव और आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे फेज और आगे बढ़ता जाएगा, मुझे और ज़्यादा गालियां दी जाएंगी, मुझे और ज़्यादा बोला जाएगा। साथ ही साथ वो योजनाओं पर भी बात की, उन्होंने कंपेरिजन किया कि जो भारतीय जनता पार्टी ने, जो सरकार ने किसान सम्मान निधि थी वो दीदी ने पहुँचने नहीं दी पश्चिम बंगाल में। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि जो आयुष्मान योजना है उसका फ़ायदा उन्होंने यहाँ पश्चिम बंगाल में नहीं होने दिया, क्योंकि दीदी शायद जो योजनाएँ उन्हें ढंग से पड़ती नहीं है, क्योंकि उनकी जो मेडिकल हेल्थ योजना है, जो इंश्योरेंस योजना है, उसका फ़ायदा सिर्फ पश्चिम बंगाल में मिलता है। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल का कोई आदमी बंगाल से बाहर जाएगा, दिल्ली जाएगा, जयपुर जाएगा, तो वहाँ पर भी उसे केंद्र की योजना का फायदा मिल सकता है। तो इस योजना से उन्होंने वंचित किया, तो हर योजना को उन्होंने पढ़ा है, उसके साथ कंपैरिजन किया है, और साथ ही साथ वो लोगों से बात करते हैं, कनेक्ट करते हैं, और दीदी और दीदी का उनका जो उद्बोधन है, जो संबोधन है, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। जब भी वो इस तरह से बात करते हैं तो अचानक से पूरे पंडाल में तालियां बजनी शुरू हो जाती हैं। तो यानी इंतजार करते हैं, दीदी निशाना साधती हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री निशाना साधते हैं, और चुनाव में ये जो बयानबाजी है इसका दौर अभी जारी है। लगातार 8 फेज का चुनाव होने वाला है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी नई बातें सुनने को मिलेंगी। दोनों ही पार्टियों की तरफ से एक दूसरे पर कटाक्ष और तंज कसे जा रहे हैं। बस ये है कि दोनों ही पार्टी अपनी भाषा की मर्यादा को बनाए रखें तो शायद ये लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा। तो आज दीदी के भी रोड शो हैं, दीदी की भी चुनावी सभाएं हैं, तो वहां भी हो सकता है कि वो कल प्रधानमंत्री ने उन्हें जो कहा है उस सारी बातों का जवाब दें। तो ये चुनाव बेहद दिलचस्प इस वक्त पश्चिम बंगाल का है। बिल्कुल, लेकिन रमन अभी तक 60 सीटों पर मतदान हो चुका है, उसमें से 50 सीटें जीतने का दावा अमित शाह लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में तीसरे चरण की जो सीटें हैं वो किन मायनों में खास हो जाती है, जिसके लिए सीधा सीधा जोर ममता बनर्जी लगा रही है, बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक जो है चुनावी मैदान में है। देखिए बिल्कुल, हुगली और हावड़ा की जो इस बार चुनाव थर्ड फेज में, हुगली हावड़ा में जहां लगातार प्रधानमंत्री मोदी ने भी जनसभाएं की, योगी आदित्यनाथ ने भी रोड शो किया, दीदी भी वहां पर रोड शो कर रही हैं, तो तीसरे फेज की सीट्स बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। दोनों ही पार्टियां पहले और दूसरे फेज में बढ़त का दावा कर रही हैं, अपनी जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन ये जो कोलकाता से सटे हुए दोनों इलाके हैं, हुगली और हावड़ा वाले, यहाँ पर पिछले जो लोकसभा चुनाव थे उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन था वो अच्छा रहा है, तो इसीलिए उनकी भी पूरी कोशिश है कि इस बार विधानसभा चुनाव में भी वहाँ प्रदर्शन अच्छा किया जाए, और इसीलिए पूरी ताकत वहां पर झोंक दी है। लेकिन दीदी चाहती हैं कि जो पिछले विधानसभा चुनाव का उनका परफॉर्मेंस था, टीएमसी का जो परफॉर्मेंस था, वही वो तीसरे फेज में आगे निकालें, उसे बढ़त बनाकर हुगली और हावड़ा का जो पूरा इलाका है यहां से आगे बढ़कर जाएं, तो इसीलिए पूरी ताकत दोनों ही पार्टियों ने यहां पर झोंक रखी है। बिल्कुल रमन, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं और कहीं ना कहीं नजर भी आ रहा है कि पार्टियां ताकत झोंकती हुई यहां से नजर आ रही है, लेकिन रमन आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि आज दीदी की भी रैली होनी है और इधर योगी आदित्यनाथ भी रैली करेंगे और क्या कुछ कहते हैं ये भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। वहां जहां पर रैली होनी है वो माहौल क्या कहता है रमन, किसके पक्ष में वो माहौल, वहां के लोगों से अगर आपकी बातचीत हुई हो तो वहां के लोगों का क्या कुछ कहना नजर आता है रमन? देखिए अगर आप रोड शो की बात करें तो जैसे कल हम योगी आदित्यनाथ का रोड शो था जो उलुवरिया है, वहाँ पर रोड शो उनका कवर कर रहे थे, तो वहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि जो भी कैडर होता है वो साथ फॉलो करेगा आपको, चाहे फिर वो दीदी का रोड शो हो या फिर योगी आदित्यनाथ का रोड शो हो, तो वहाँ आपको अपने पार्टी कैडर के कार्यकर्ता मिलेंगे, और जब योगी आदित्यनाथ हों या फिर दीदी हों तो बड़ी संख्या में पार्टी के कैडर मौजूद होते हैं। लेकिन जब वह अगल बगल देखते हैं तो आपको छतों से या फिर खिड़कियों से या फिर सड़क के किनारे से लोग वीडियो बनाते हुए नजर आते हैं, फूल फेंकते हुए नजर आते हैं, तो इसका मतलब ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस जमीन को हासिल किया है और इस पूरे के पूरे इलेक्शन को इस बार बदल कर रख दिया है। क्योंकि जब पिछली बार मैं विधानसभा चुनाव यहां कवर कर रहा था तो भारतीय जनता पार्टी का एक भी झंडा नजर नहीं आता था, यहां पर उनको पोलिंग एजेंट तक नहीं मिलते थे, तो पिछले चुनाव में और इस चुनाव में ये बड़ा फर्क इस वक्त देखने को मिला है कि योगी आदित्यनाथ का जब रोड शो होता है तो उनके पीछे बड़े कार्यकर्ताओं की पूरी भीड़ होती है, और सिर्फ भीड़ ही नहीं होती, उसके अगल बगल जो छतें हैं, जो घर के दीवार, घर में जो लोग हैं वो भी वीडियो बनाते हुए नजर आते हैं, उन्हें देखते हुए नजर आते हैं, फूल फेंकते हुए नजर आते हैं। अब अगर टीएमसी की बात करें तो दीदी की अच्छी फैन फॉलोइंग है, दीदी को बहुत लोग यहाँ पसंद करते हैं, दीदी को बहुत लोग यहाँ प्यार करते हैं, उसमें टीएमसी समर्थक भी हैं, आसपास के लोग भी हैं, लेकिन दीदी 10 साल से सत्ता में थी, दीदी एक इतिहास लिखकर यहाँ पर आई थी, और यहाँ पर इस बार, और यही सबसे बड़ी मुश्किल ममता बनर्जी के लिए बनी हुई है कि 10 साल से आप सत्ता पर काबिज है, लेकिन 10 साल में आपने विकास के काम क्या किए हैं जो कि ममता बनर्जी गिनाती हुई नजर नहीं आ।
आ रही है। रमन आप बने रहिए हमारे साथ, आपका रुख करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि 6 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। लेकिन 5 बजने से पहले बीजेपी समेत दूसरी पार्टियों ने इस रविवार को सियासत के सुपर संडे में तब्दील करने की ठान ली है। रिपोर्ट देखिए। पांच राज्यों के चुनाव में ताल ठोक रही सियासी पार्टियों के लिए रविवार का दिन बेहद खास है, क्योंकि शाम 5 बजे के बाद तीसरे चरण का प्रचार थम जाएगा। लेकिन उससे पहले सियासी जंग लड़ रही सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, चाहे फिर बीजेपी हो या फिर ममता बनर्जी की TMC। आखिरी दिन इन पार्टियों के दिग्गज चुनावी मैदान में पूरी जान फूंकते नजर आएंगे। दीदी यानी ममता बनर्जी 5 जगहों पर जनसभा को संबोधित करने वाली हैं, जिसके जवाब में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी 4 जगहों पर जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी 2 जगह पर जनसभा के अलावा एक रोड शो भी करेंगे। वहीं शुभेंदु अधिकारी भी 1 रोड शो और 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं बीजेपी के अन्य दिग्गजों की दूसरी राज्यों पर भी नजर है। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अमित शाह असम में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जबकि जेपी नड्डा पुडुचेरी और तमिलनाडु को साधते हुए नजर आएंगे। 6 अप्रैल को 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है, पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के लिए, जबकि असम में आखिरी चरण के लिए 6 अप्रैल को वोट पड़ेंगे। वहीं पुडुचेरी, केरल और तमिलनाडु में एक ही चरण यानी 6 अप्रैल को ही मतदान होंगे, जिसका नतीजा 2 मई को आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, Zee Media।